हेलो, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज। और आइए, आप लोगों को हम तैयारी करवाते हैं लोको पायलट एग्ज़ाम की। और आज से ही आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी लोगों का 12 हो चुका है या फिर ITI डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो भी आप लोगों ने किया है BTech, तो आप लोग तैयारी आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा समय बचा नहीं। वैकेंसी बहुत जल्द ही आ जाएगी। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी मास्टर नोट्स की और वीडियो कोचिंग की। तो आप लोग हमारे माध्यम से मास्टर नोट्स और वीडियो कोचिंग ले करके तैयारी शुरू कर दीजिए। मास्टर नोट्स में से आपका 90% तक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। अभी जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ मास्टर नोट्स का डेमो। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में। तो सोचिए, आपको हम आपको एक किताब दे रहे हैं मास्टर नोट्स, और उस किताब में से आपको 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपको एग्जाम में। तो बस आपको क्या करना, तैयारी आपको बस वही मास्टर नोट्स को पढ़ लेना अच्छे से। तो इसके बाद आपको देखिए, पढ़ने के लिए आपको मास्टर नोट्स हैं, और दूसरी चीज़ जो है वो है स्मार्ट वीडियो कोचिंग। स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन है, स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन है। इसी ऐप पे पढ़ाई होती है, इसी ऐप पे होती है पढ़ाई। इसमें दो तरह का कोर्स मिलता है, एक मिलता है आपको लाइव कोर्स और एक मिलता है आपको रिकॉर्डेड कोर्स। लाइव कोर्स का प्राइस है 10,000 और रिकॉर्डेड कोर्स का प्राइस है 2500, बस 2500 रुपये। और ये यही काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट यही लेते हैं, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है। और इस दोनों कोर्स में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों जगह पे हम ही पढ़ाएँ। लाइव कोर्स का मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे हमसे बिल्कुल लाइव में पढ़ना चाहते हैं वो लाइव कोर्स में पढ़े, और जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते, जैसे कि जो ड्यूटी करते कहीं पे, वो लाइव में नहीं आ सकते, तो वो लोग अपना मर्जी से जब चाहे तब क्लास कर सकते हैं। वो ये है, लेकिन लाइव कोर्स में भी रहती है क्लासेज, मतलब कि जब आप लाइव स्ट्रीम ख़त्म हुई तब भी वो क्लास रहेगी कुछ दिन तक। तो रिकॉर्डेड क्लास ये 2500 रुपये की आती है, और मास्टर नोट्स आती है 2500 रुपये की। आइए अब आप लोगों को दिखाते हैं मास्टर नोट्स वो किस तरह का है और उसकी लैंग्वेज वगैरह क्या सब चीज़ें हैं। देखिए, मास्टर नोट फिलहाल ये जो है, ये सब सब्जेक्ट हैं जिसमें कि मैथ का है, ये मैथ है, रीजनिंग है, इलेक्ट्रीशियन, मैथ रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद देखिए कंप्यूटर, GK, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सब्जेक्ट है। और इसको हम ओपन करते हैं, ये हमारा मैथ किताब का कवर पेज है, और इस तरह का आपको हम अब देखिए, आइए यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। यहाँ जो देखिए, ये मैथ का पूरा चैप्टर दिया हुआ है, और जैसा मैंने यहाँ पे सजाया हूँ ऐसा आपको इंडिया में जो भी किताब मिल रही है किसी भी किताब में इस तरह की चीज़ें नहीं दी हुई है। और वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम यहाँ पर करके देते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि जीरो लेवल से पढ़ाई करना बेहद ज़रूरी होता है, और हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से चैप्टर आपको सजा करके दिए हैं। पहला देखिए, ग्रुप वाइज करके 6 ग्रुप आप पढ़ लीजिए, पूरा मैथ आपको आ जाएगा। परसेंटेज ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप, मैथ टूल्स ग्रुप, वर्किंग ग्रुप, स्पीड ग्रुप, फिगर ग्रुप और इंजीनियरिंग मैथ, ये आपका 6 ग्रुप में है। और इसमें चैप्टर का नाम भी आप देख सकते हैं, परसेंट लॉस एंड प्रॉफिट करके है, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह से है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको हम पढ़ाएंगे। ये हमारी किताब का आप लोग लैंग्वेज देख सकते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से ये किताब मैंने लिखा हूँ। और क्योंकि बिल्कुल जीरो से, मतलब कि जहाँ से स्टूडेंट की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग क्लास तो ज्वाइन कर लेते हैं चाहे भी किसी भी रूप में, लेकिन उसको पढ़ाई समझ में आती नहीं। लेकिन हमारे क्लास की एक बात की गारंटी होगी कि आपको पहले दिन से, पहले घंटे से, पहले मिनट से आपको हमारी पढ़ाई समझ में आने लगेगी। क्योंकि हम 2014 में हम लोको पायलट पास किए थे, उससे पहले 2012 से हम स्टूडेंट लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं हमारी लगभग 10 साल की टीचिंग जर्नी रही है।
और ये 10 साल में मैंने काफ़ी लोगों को मैंने जॉब दिलवाया हूँ और वो मैंने पढ़ा करके, हमारा पढ़ाने का कुछ अलग तरीका होता है, सबसे अलग हट के होता है। एक जीरो लेवल स्टूडेंट के लिए मैं काम करता हूँ और हम यहाँ पे ये जो भी क्वेश्चन आप देखें बिल्कुल जीरो लेवल से हैं, यानी जीरो लेवल यहाँ पे होगा और जैसे ही क्वेश्चन में आगे आप बढ़ते जाएंगे इसका लेवल थोड़ा सा आपको आगे बढ़ता हुआ मिलेगा। इस तरह के आपको यहाँ पर मिलेगी, ये देखिए ये सारा का सारा क्वेश्चन है, वो ये जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रही है सब के सब रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और एक जीरो लेवल स्टूडेंट को सिखाने के लिए, भले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हो नहीं हो, ये क्वेश्चन आए या फिर नहीं आए, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए जीरो से शुरुआत करके आपको हम लास्टिंग तक ले जाते हैं और आप बिल्कुल मतलब मैथ पूरा ख़त्म करना है। 1 से 1.5 महीना काफ़ी है क्योंकि आप चैप्टर देख चुके हैं, 30-35 पेज है, 30-35 चैप्टर हैं और आप अगर एक दिन में एक चैप्टर ही पढ़ते हैं तो आपको 30 दिन में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको एक दिन में 3 से 4 घंटे का समय देना है और हम आपको जिस तरह रिवाइज करवाते हैं वो रिवाइज पर आपको ध्यान देना है। तो ये रहा आपका मैथ का, इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा सभी चैप्टर का, ठीक है, सभी चैप्टर का। एक चैप्टर में इतने सारे, ये 81 और प्लस 43 यानी कि 125 क्वेश्चन आपका पूरा परसेंटेज ख़त्म है। ये देखिए अगला चैप्टर है लॉस एंड प्रॉफिट का, आप यहाँ पे लैंग्वेज देख सकते किस तरह से इस क्वेश्चन को लिखा गया है और ये सब बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यही सब आते हैं एग्जाम में और बस आपको यही इसी का एक बार तैयारी कर लेना है। इसको आप अगर एक बार तैयारी कर लेते हैं तो मार्केट में जितने भी किताबें मिलती है सबका मैथ आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो फिर अगर आप मार्केट की किताब से शुरू करेंगे तो आपको शुरू हो ही नहीं पाएगा क्योंकि 5 क्वेश्चन बनाएगा अगला क्वेश्चन फंस जाएगा, फिर उसको बताने के लिए कोई स्पेशल टीचर होगा नहीं। लेकिन आप अगर मास्टर नोट्स लेते हैं तो मास्टर नोट्स का A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको देते हैं एप्लीकेशन क्लास में। तो इस तरह से आपने देख लिया मैथ का, अब आइए आपको हम दिखाते हैं रीजनिंग का। उसी तरह से देखिए रीजनिंग का भी है, रीजनिंग को भी मैंने उसी रूप में सजाया हूँ। ये देखिए ये है रीजनिंग का कवर पेज और इसका पेज नंबर 2। इसमें देखिए इंडेक्स में, इसमें भी मैंने मतलब 5 ग्रुप मैंने बनाया है इसमें। और पहला ग्रुप है नंबर लेटर वर्ड ग्रुप, यानी संख्या शब्द अक्षर पर आधारित है, जो भी रीजनिंग का चैप्टर है उसको मैंने एक जगह पर कलेक्ट कर लिया, जबकि आप किसी भी किताब में देखिएगा वो सब एक जगह पर कलेक्टेड नहीं मिलेगा और इससे स्टूडेंट को सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब देखिए जरा सोचिए कि आप ही को कोई पढ़ाएगा और सबसे भारी चीज़ आपको पहली बार बोलेगा कि पढ़ो, तो कितना भी कोशिश कर लीजिए आप उसको पढ़ नहीं पाइएगा। लेकिन हम आपको बोलते हैं कि पहले 0 पढ़िए, फिर 1 पढ़ो, फिर 2 पढ़ो, फिर 3, फिर 4, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और इसलिए मैंने सबको ग्रुप बना लिया, मैंने रीजनिंग के अंदर में भी ग्रुप चैप्टर का एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कोडिंग डिकोडिंग, उस पर देखिए लैंग्वेज ग्रुप, जिस तरह से मैंने मैथ में लैंग्वेज ग्रुप है मतलब कि जो भाषा पर आधारित चैप्टर है, इसमें भी लैंग्वेज ग्रुप है जो भाषा पर आधारित चैप्टर है, जैसे कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा और इसका सॉल्यूशन जो है वो हम आपको देंगे वीडियो कोचिंग में। ये एनालॉजी टेस्ट, इसके सबसे पहले तो हम आपको ये बिल्कुल बेसिक बात आपको बता देते हैं, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू करिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे और बस आपको थोड़ा सा वीडियो से थोड़ा सा हेल्प लेना है, वीडियो में से थोड़ा सा आपको हेल्प लेना है। और वीडियो में हम यही सब क्वेश्चन का बिल्कुल पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन करके आपको बता देंगे कौन सा क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। और ऐसा कभी मतलब ऐसा इम्पॉसिबल है कि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रह जाए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बिल्कुल जीरो लेवल स्टूडेंट को और हमारे पास इतना एक्सपीरियंस आ गया कि आपको कहाँ पे कौन सा बात समझ में नहीं आ रही होगी, हम उस पॉइंट की चर्चा हम जरूर कर दिए होंगे वीडियो में, बस आप वीडियो देखिएगा आपको पढ़ाई समझ में आ जाएगी। ये इस तरह का आपको रीजनिंग का क्वेश्चन मिलेगा, मतलब कंप्यूटर प्रिंट, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट जो हम लोग से सवाल करते हैं वो क्वेश्चन मास्टर नोट से इसका नाम है, तो लोग बोलते हैं कि वो पेन से लिखा हुआ है या फिर मतलब प्रिंटेड है, तो इसी तरह का प्रिंटेड है
और ये आपको बाइंडिंग करके मिलती है इस तरह से, इस तरह से इसको बाइंडिंग करके आपके घर पे भेजा जाता है। तो आप उसी तरह से देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड टेस्ट, जैसे कि आप लोग लोको पायलट एग्जाम की करते हैं तैयारी, तो ट्रेड टेस्ट में आपको इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन आता है, तो इलेक्ट्रीशियन का कवर पेज ये रहा। इसमें देखिए ये चीज जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ये जो इंडेक्स है यहां पे देखिए, ये चीज किसी भी किताब में नहीं करके दिया हुआ है। ये हम देखिए इस किताब को हमने किस तरह से बनाया हूं कि सबसे पहले तो हम देखें कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो सब क्वेश्चन किस किस चैप्टर से टच कर रहा है और कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम लिखें, लाइट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन, एनर्जी सोर्सेज, इलेक्ट्रिक सेफ्टी, डीसी मोटर एंड जनरेटर, एसी मोटर एंड जनरेटर, इलेक्ट्रिक टूल और इलेक्ट्रिक मशीन, हाउस वायरिंग। ये 12 चैप्टर मिला करके आपको 75 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और 26 नंबर पास होने के लिए होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट पिछले एग्जाम में वो 26 नंबर भी नहीं ला पाए थे, यही इसी एक किताब की कमी की वजह से, मतलब उन लोगों को परफेक्ट चीज़ पढ़ने को मिला नहीं। इस तरह से पहला चैप्टर लाइट का है, ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिला है ये 4 क्वेश्चन, ये एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन आया था, इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख लिए हैं और इसी पे आधारित हम आगे नोट्स हम बनाए हैं, इसी पे आधारित, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पे आधारित हम, मतलब इस तरह से हम नोट्स आपको बना के दे दिए हैं और इसी का आपको हम डिटेल में करके आपको वीडियो में सिखाते हैं, फिर आप उसको पढ़ करके सारे कुछ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बार क्या कि यहाँ पे जो भी चीज़ आप यहाँ पे देखे हैं ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद इस पे जो बेसिक क्वेश्चन आ रहा है वो कुछ इस तरह से है, और उसके बाद अब देखिए उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो सब कुछ हम यहाँ पे लिख दिए हैं आसान भाषा में, जैसे विद्युत आवेश, आवेश एक अधिश राशि, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है, यानी कि पहला जो चैप्टर है वो इस तरह से हम आपको बना दिए हैं। तो आप इसको देख सकते किस तरह का नोट्स है, बस आपको यही चीज़ पढ़ाई करनी है और इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। अगर इसमें से नहीं आएगा तो फिर वो किसी भी किताब में से नहीं आएगा, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस तो हो ही नहीं सकता, और जितने भी सिलेबस हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा यहाँ पे लिख दिए बिल्कुल शॉर्ट में, और यही में से क्वेश्चन बिल्कुल टच करेगा एग्जाम में, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं उसको, उस टॉपिक को तो हम कवर किए हैं, इसके अलावा उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक था उसको भी हम यहाँ पे कवर कर दिए हैं। और आपको हम क्या दिखा दें, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स 21-22 देखिए करंट अफेयर्स किस तरह की किताब है। यहाँ पे कवर पेज में बस 2021 लिखा हुआ, जबकि यह 2022 का है, जब प्रिंट हो गया तो उसमें 22-23 लिखा रहता है। तो बहुत सारे ये देखिए जनवरी 2021 से शुरू होकर के, मतलब ये आगे चैप्टर वाइज ये बढ़ते रहेगी, फिर फरवरी आएगी, फिर मार्च आएगी, फिर 2022 वाला क्वेश्चन आएगा, फिर 2023 का अपडेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और यही में से एग्जाम में क्वेश्चन है। अभी तो खैर 2021 वाला नहीं आएगा क्वेश्चन, 2022 वाली क्वेश्चन आएगी, और डेली का क्वेश्चन सब हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे करंट अफेयर्स फरवरी 2021, तो ये फरवरी 2021 का ये क्वेश्चन रहा। उसी तरह से अभी मार्च चल रही 2023, तो मार्च 2023 का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। और हम तो अभी करंट अफेयर्स का बिल्कुल डेली का हम क्लास भी करते हैं, मतलब कि आपको डेली क्लास भी ले रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग वहाँ भी आकर देख सकते हैं। इस तरह के आपको क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन को आपको याद करना है, और इसी में इस क्वेश्चन आएगा। तो देखिए जितने भी सब्जेक्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको जितने भी सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग हो, ट्रेड टेस्ट हो, साइको टेस्ट हो, सारे के सारे वीडियो और मास्टर नोट्स, इसको आपको हम पूरा तैयारी करवा देंगे। इसके अलावा जब तैयारी कंप्लीट होगी तो आप लोग को टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन में, ऐप में। तो वो देखिए एप्लीकेशन का लोगो किस तरह का होगा
वो आप देख लीजिए एक बार, ताकि आपको सर्च करने में आसानी रहेगी। लोगो कहीं पे था, ये कवर पेज। अच्छा, इस फाइल में वो नहीं है, तो चलिए हम गूगल पे सर्च करके आपको बता देते हैं। नेट भी नहीं चल रही, तो आप लोग मतलब प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ से आप स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन सर्च कर लीजिएगा, फिर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर हमें व्हाट्सएप कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको हम दे देते हैं, और आप हमें वहाँ से कॉन्टैक्ट करके एप्लीकेशन का लिंक तो बस आप हमारे यहाँ से नोट्स मंगवा लीजिए, और वीडियो कोचिंग लेकर के आप तैयारी शुरू कर दीजिए। सारे सब्जेक्ट का आपको नोट्स वीडियो कोचिंग मिल जाएगी, फिर आप तैयारी करें। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, या फिर फ़ोन करके कुछ भी जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।